थर्ड पार्ट है 4 upon x plus 3y equal to 14, 3 upon x minus 4y equal to 23। तो हमको पहले क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए जरूरी नहीं है x की अगर कोई वैल्यू रखेगी तो y की भी रखनी जरूरी है। y की जो पावर है वो क्या है, 1 है। x की पावर क्या है, -1। तो मैं y को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, मैं सिर्फ किसको टच करूंगा, x को। तो जब मैं वैल्यू रखूंगा वो सिर्फ किसके रखूंगा, x के, ठीक है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप सिंपली इसको सॉल्व करें, x और y की वैल्यू है तो मेरे हिसाब से वैल्यू पुट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर देगा, इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देगा। टेकिंग वन अपॉन एक्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, सेकेंड और फर्स्ट पार्ट, ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हुआ क्या है, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई रहा होगा, 1 upon x के साथ। तो मैं 1 upon x की वैल्यू मान लेता हूँ u, इसको कह देता हूँ मैं इक्वेशन 1, इसको कह देता हूँ मैं इक्वेशन 2। सिर्फ मैं 1 upon x की वैल्यू क्या मानूंगा, u, क्योंकि यहाँ पे 1 upon y है ही नहीं, ठीक है। टेकिंग 1 upon x इक्वल टू u, तो क्या हो जाएगा, देन अब 1 upon x की जगह आपने u रखा तो ये बन जाएगा 4u, 4u प्लस 3y। देखने में भले अजीब सा लग रहा हो लेकिन ये इक्वेशन बड़ी सिंपल हो गई है, 14। ऐसे दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3u माइनस 4y इक्वल टू 23, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ मुझे क्या दिख रहा है, इधर 4 है तो इधर 3 है, इधर 4 है तो इधर 3 है। तो मुझे क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पहले वाली इक्वेशन को 4 से। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ उस केस में, क्योंकि दोनों के साइन सेम होंगे तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस केस में मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन को, जिसको अब मैं इक्वेशन, क्योंकि मैंने इनको फर्स्ट सेकेंड कह दिया, तो इनको मुझे कहना होगा थर्ड एंड फोर्थ। आप इनका अगर नेमिंग नहीं करते तो सीधे इनको फर्स्ट सेकेंड कह सकते थे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय, थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, थर्ड में 3 है तो 4 से, बाय 4 एंड इक्वेशन 4 को किससे, 4 ऑलरेडी है 3 से, ताकि ये दोनों क्या बन जाए, 12 12 बन जाए, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 4 4 जा 16, u प्लस 12 y, और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 14 से, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 56। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन कन्वर्ट हो गए जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 9u माइनस 12 y, और ये कन्वर्ट होके बन जाएगा किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 69। अब मैं क्या कर लूँगा इनको, क्योंकि ऑलरेडी साइन अलग अलग हैं तो मैं इनको सीधे सिंपली ऐड कर दूंगा, तो इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, तो 16 प्लस 9 बन जाएगा आपका 25 u, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, इक्वल की जगह इक्वल। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा आपका 11 और 12। तो u इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/125 डिवाइडेड बाई, ये 25 जो मल्टीप्लाई में था वो कन्वर्ट हो गए डिवाइड में आ गया, तो यहाँ से मुझे u की वैल्यू मिल सकती है, u इक्वल टू 25
फाइव जा 125, तो u की वैल्यू मिली मुझे 5। अब अगर यहीं से u की वैल्यू मिल गई है तो x की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, पहले इस u की वैल्यू को मैं यहां प्लेस कर देता हूं, पुटिंग u इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन पे रख सकते हैं आपको जो इक्वेशन अच्छी लग रही है, चाहिए तो 3 पे, चाहिए तो 4 पे, 3 पे ही रखते हैं। इक्वेशन 3 तो 4 अपनी जगह पे ठीक है, u की जगह पे मैंने रख दिया 5, प्लस की जगह प्लस, 3y की जगह 3y इक्वल टू 14, ये बन जाएगा 20 प्लस 3y इक्वल टू 14। 3y इक्वल टू हो जाएगा 14 ऑलरेडी है, 20 उस तरफ जाके बन जाएगा -20, 3y इक्वल टू हो जाएगा -6, y इक्वल टू हो जाएगा, सीधे सीधे लिख सकता हूँ मैं -2, क्यों, ये जो 3 है अपॉन में जाएगा, 3 टू जा 6, तो ये आ जाएगा -2। लेकिन मुझे x की वैल्यू नहीं मिली, मुझे किसकी वैल्यू मिली है, u की। देन मैं क्या कह दूंगा, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल मानी थी मैंने, यू के, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू आई है मेरी 5, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, इसको मैं दूंगा पलट, ये बन जाएगा एक्स, तो ऐसे ही ये वाली साइड भी पलट के बन जाएगी 1 अपॉन 5। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, एक्स की वैल्यू आई मेरी 1 अपॉन 5 और वाई की वैल्यू आई मेरी -2। तो ये रही मेरी y की वैल्यू, और ये है x की। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।